नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील तिवारी। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डिकोडिंग स्टॉक मार्केट में। आज की एक्सपायरी के बारे में बात करने वाले हैं। मॉर्निंग में जो अपडेट दिया था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसके बारे में बताने वाला हूँ। पूरे फुल लॉजिक को एक्सप्लेन करूँगा, क्यों ट्रेड लिया था, क्या लॉजिक था, और इतना बड़ा मूव वहाँ से एक्सपेक्ट तो नहीं किया गया था इतना बड़ा मूव, लेकिन टारगेट यहाँ तक का 42,700 तक का टारगेट हम अपने हारमोनिक के ABCD पैटर्न से यहाँ तक का टारगेट जनरली मैंने प्लान किया था। लेकिन होता क्या है, मैंने ट्रेड कब लिया था, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको दिखाता हूँ। तो मॉर्निंग में आप ये चार्ट अगर देख पा रहे हो तो ये इस जगह पे मैंने एक बाइंग दी थी। बाइंग क्यों दिया था, सारे लॉजिक को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ इस कैंडल पे बाइंग दिया था मैंने, 10:10 पे मैंने बाइंग दिया था। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे दिया था, 42,500 के लेवल पे। तो लॉजिक क्या था उसका, लॉजिक सिंपल सा था कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ये ट्रेंड लाइन, इसको मैं दोबारा से, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, और उसके बाद हुआ क्या कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद एक मिनट जस्ट वेट कर, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, वेट करिए थोड़ा सा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। ब्रेक होने के बाद मैंने एग्जैक्ट इस जगह पे 10:10 पे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी चार्ट पोस्ट किया था। यहाँ पे देखिए, तो मैंने एक कॉल दिया था बाइंग के लिए, कॉल दिया था 10:06 में, बाय 42,500 सी, 125 टू 130। और उसके बाद जो मैंने इसमें एसएल दिया था, ₹110 का दिया था। और देखेंगे कि यहाँ से तो फिर एक अच्छा मोमेंटम, यहाँ से देखिए इस जगह पे मैंने बाइंग दिया था, और उसके बाद फिर से यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ से देखने को मिला। ये चार्ट आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला, और बैंक निफ्टी ने हमारे दोनों टारगेट को अपसाइड में हिट किया। हिट करने के बाद एक व्यू यहाँ पे हिट करने के बाद, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद दोनों टारगेट यहाँ पे हिट करती है। यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे देखेंगे तो मैं बराबर चार्ट को पोस्ट कर रहा था। यहाँ पे दोनों टारगेट हिट करने के बाद जब बैंक निफ्टी दोबारा से इस लाइन के पास आता है, मॉर्निंग वाले दोनों लेवल पर जहाँ से बैंक निफ्टी ने एक बॉटम को क्रिएट किया था, डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन किया था, तो वहाँ पर मैंने भी एक कॉल बाइंग किया था। और उसके बाद चल के आपको चार्ट पे दिखाता हूँ तो मैंने एग्जैक्ट कॉल कहाँ पर बाइंग की थी। तो पर्टिकुलर इस वाली कैंडल पे 11:01 पे मेरी बाइंग थी, और मैं अगर ऑर्डर बुक में भी दिखाऊं आप लोगों को तो 11:01:54 पे मेरी बाइंग थी। 25 क्वांटिटी मैंने बाय किया था, ₹125.40 के भाव में मैंने इसको परचेज किया था। परचेज करने के बाद देखेंगे तो इस कैंडल का जो ये कैंडल है, इस कैंडल का लो ऑलमोस्ट है 42,558, इसी के पास मेरी बाइंग थी। सॉरी, इस कैंडल का जो ऑलमोस्ट लो है वो है 42,525 के पास, यहाँ से मैंने इसको बाइंग किया था। इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा जो एसएल था वो 5 पॉइंट का एसएल था, बैंक निफ्टी स्ट्राइक प्राइस का 5 पॉइंट का एसएल था। उसके बाद होता क्या कि बैंक निफ्टी अपसाइड का मोमेंटम दिखाती है, दिखाने के बाद मैंने एसएल को इसमें ट्रेल कर लिया था। जनरली मुझको 1:3 का प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने इसमें ट्रेल किया था एसएल। तो फिर जस्ट इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल मेरे एसएल को हिट किया। हिट करने के बाद देखेंगे तो अपसाइड में कम से कम 870 पॉइंट का मोमेंटम हमें अपसाइड में देखने को मिला है। यहाँ पे मेरा व्यू यहीं तक का था कि बैंक निफ्टी जो है 42,700 पे एक बार रेजिस्टेंस को फेस किया, हालांकि रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने फेस किया, फिर अपसाइड में जैसे ही इस लेवल को निकाला और निकालने के बाद फिर से रीटेस्ट किया, कंटिन्यू अपसाइड की मोमेंटम हमको देखने को मिली है। और जो मैंने प्रीमियम इसमें बाय किया तो प्रीमियम अभी आपको दिखाऊं तो इसकी जो क्लोजिंग हमको मिली है, पोजीशन में चल के दिखा तो ये प्रीमियम ऑलमोस्ट ₹125 में मेरी बाइंग थी। मेरा ट्रेलिंग एसएल इसमें हिट हुआ था, इस वजह से मैं दोबारा री इंटर इसमें नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक ही ट्रेड लेता हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ऑप्शन में। तो ये प्रीमियम जो है 750 का, ऑलमोस्ट 750 के पे इसकी क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। तो लॉजिक सिंपल सा था, ये बैंक निफ्टी लोअर लोज की फॉर्मेशन लगा रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न का क्रिएशन हमको देखने को मिला। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन, जब मैंने इस ट्रेंड लाइन को फिर से, जब ये ट्रेंड लाइन
ब्रेक हुई और ब्रेक होने के बाद दोबारा से इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करने बैंक निफ्टी आया, तो मैंने भी यहां से एक बाइंग को इनिशिएट किया था। फर्स्ट टारगेट हमारा इसमें जो था वो था 42,650 और सेकंड टारगेट हमारा जो था इसमें था 42,700 का। उसके बाद देखेंगे तो बैंक निफ्टी 700 से डाउन साइड का मूव दिखाती है, और दिखाने के बाद जब दोबारा 700 वाले लेवल को ब्रेक करती है, जो मॉर्निंग का डे हाई भी था, और ब्रेक करने के बाद फिर से रीटेस्ट लेती है, और रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम दिखाती है, जो कि बैंक निफ्टी को लेके जाता है 43,361 का इसमें हाई है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, लॉजिक थे, पूरा फुल प्राइस एक्शन को मैं फॉलो करता हूँ, मैं कोई चार्ट इंडिकेटर ऑप्शन चेन कुछ भी फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड लेता हूँ। तो ये सारे लॉजिक थे, और इसको मैं बराबर अपने टेलीग्राम चैनल पे भी चार्ट वगैरह सब पोस्ट करते रहता हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग पे मैंने कई सारे चार्ट पोस्ट किए हैं, देखेंगे तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने ये सारे चार्ट पोस्ट किए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक चार्ट मैंने पोस्ट किया, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद दोबारा से ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने जाती है, तो यहाँ से भी एक ट्रेड था प्लेस किया, तो उसके बाद यहाँ पे ट्रेड था, उसके बाद फर्स्ट टारगेट ए था, और फिर देखेंगे तो इसमें तो सेकंड टारगेट भी देखने को मिला। तो ये सारे लॉजिक हैं। अगर आप लोग भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेरा ट्रेलिंग एसएल था, आप लोगों को दिखाऊं तो एक बार ऑर्डर में मैंने इसको ट्रेल कर लिया 131 रुपये में, और ये ट्रिगर आपको दिख रहा होगा, ये एसएल मेरा ट्रिगर हुआ और मैं इस पोजीशन से बाहर हुआ। उसके बाद कंटिन्यू बैंक निफ्टी ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, एक भी बार एसएल को इसने हिट नहीं किया, और हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन करता हुआ बैंक निफ्टी अपसाइड में कंटिन्यू चला गया। कहीं भी आप देखेंगे तो 5 मिनट का कोई भी लो, कोई भी स्विंग लो एक भी बार ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये सारे लॉजिक थे ट्रेड के, मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। और अब आगे क्या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आगे बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, उसका अगर मैं दूसरी वीडियो और एनालिसिस की बनाऊंगा तो उसमें सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। नहीं बना पाऊंगा तो मॉर्निंग में आप लोगों को अपडेट लाइव मार्केट में अपडेट दे दूंगा। तो आप लोग भी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये बस इतना ही था इस वीडियो में, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।